मेरे पैसों पे कुंडली मार के बैठी हो, दे दो ना मेरे पैसे। चल भाग, बड़ा आया पैसे मांगने वाला। पहले काम तो पूरा कर, अभी भी घर का पूरा छपरा बाकी है ना। अरे यार कहाँ फंस गया मैं, क्या परेशान कर रखा है। अरे कभी तो छपरा पेंट करता है क्या, गधा समझ रखा है। बराबर बोला। भैंस के आगे पुंगी मत बजाओ बहरा है। मैं मेहरा हूँ बुढ़ी। फिर बुढ़ी बोला मुझे, रुक जा जवानी का झटका दिखाती हूँ। फटका पिछले कॉन्ट्रैक्टर ने दिया था, मजे से आया दीवार और तुमको चूना लगा के चला गया। ये तो देव मानुष है, ऐसे बहुत कम मिलते। ऐसे भूखे नंगों को सर पे चढ़ाएगा तो लुट जाएगा। ऐसे चंगे लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, तू चुप कर। हाँ तो कान क्यों चबा रहा है। दादी माँ मत मारी गई थी मेरी। हाँ? जो इस घर को पेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, एक तो ये सांड है बहरा और ऊपर से तुम हो अंधी, तो इस घर को पेंट करने का क्या फायदा। अब मेरे पैसे दे दो और मुझे जाने दो। अरे आदी 100 रुपया मुँह पे मारो भगाई से। 9 रुपया? हाँ? 9 रुपया भी कोई देने की चीज होती है? कितना दूँ? 900 तो बनता ही है और मेरी तरफ से 1100। 2000 रुपया चलेगा? हाँ चलेगा। क्या कर रहा है, मैं मर जाऊंगी। मैंने लोगों का खून इसके पैसे का क्या करना है। जल्दी जल्दी काट में मशीन डाल। लगा रहा हूँ। जल्दी कर। बुढ़िया एक बात हमेशा याद रखना, लोगों का बिल नहीं दिल जीतना चाहिए। तू देख नहीं पाएगी लेकिन वो दुआ देता हुआ भागता हुआ जा रहा है। भगवान करे तेरे जैसे बहरा सबको मिले। चुप कर, मैंने तुझे 100 रुपया देने को कहा था, तूने उसके मुंह पर 2000 दे मारा है। इतना बड़ा झोल कर दिया। कान में मशीन लगाना भूल गया था। तेरे भूलने की वजह से मेरे 1900 रुपए गटर में चले गए। तेरी पगार से साल भर काटूंगी। पगार के 1500 तो कटेंगे ही, ऊपर से तू मुझे हर महीने 400 देगा और फ्री में काम करेगा। एक नंबर का पनौती है। तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया, पीछे छूट जाता मेरा। चल बुढ़िया, पीछे कब्रिस्तान है, जाके वहाँ पे लेट जा। कब्र में लेटाने वाले खुद ही कब्र में लेट गए, मुझे कब्र में लेटाएगा तू। अंधी लेकिन थूकते बराबर निशाने पे। इसे देखकर लग रहा है मेरी दिलवाली दुल्हन मेरे पास आ रही है। अगर इससे मेरी शादी हो गई तो 2 साल में पूरी क्रिकेट टीम घर में तैयार हो जाएगी। ए जिंगूर, क्या नौटंकी चल रही है। मैं तुमसे शादी करने की सोच रहा हूँ और तुम सबके सामने इज्जत का फालूदा निकाल रही हो। होने वाले पति को जिंगूर कहते तुम्हें शर्म नहीं आती। तुझे नहीं लगता तो ज्यादा बोल रहा है। शादी के बाद नहीं बोलूंगा। दादी से कहूंगी ना तो चप्पल निकाल के मारेंगी। चल बैग पकड़। अबे देख क्या रहा झिंगुर, एक कम थी जो दूसरी खून चूसने आ गई। पहले खून की कमी है। ले लो, बस 2-3 बाकी है। बोल 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 दो। हाय, सारा इम्पोर्टेड माल आ गई, मेरी पोती आ गई। इस घर को कितना मिस किया। दादी तरस गई थी तुझे देखने के लिए। कैसी हो दादी? खुली आंखों से तो दिखता नहीं है। हाँ हो सकता है मन की आंखों से देखने को तरस गई होगी। पोती के आते ही पार्टी बदल दी, मुझे भूल गई बुढ़िया। ए गेंडे, अपने मुंह का गंदा कटर बंद कर और निकल, जाते हुए 2 चाय बोल रहे, उसमें जहर भी डालने को बोल देता हूँ। पी लेना। दादी आप अभी भी एम्ब्रॉयडरी करती हैं? खाली टाइम में थोड़े बहुत हाथ पैर चला लेती हूँ। सिर्फ हाथ पैर नहीं चलाती है, दिन भर मुंह भी चलाती रहती है। बुढ़िया नाक में दम कर रखा है, बोल बोल के मेरा कान भी खराब कर दिया। अबे ओए। बेटी तू अपने पापा को बता के आई है ना, उन्हें पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ, झगड़ा हो गया? ये बहुत लंबी कहानी है दादी, ये सारी बातें छोड़ो, अब जल्दी से मुझे कुछ खाने के लिए दो। बस 2 मिनट। ठीक है। ठीक से देख नहीं पाती लेकिन इसका चीला बराबर गोल बनता है, चांद भी फेल है। इतनी गालियां सुनने के बाद भी राजी हो गया, अजीब बात है। यही तो मैं भी सोच रही हूँ। बहुत सोचते हो, शादी कितनी मुश्किल से होती है पता है। मुझे 32 लड़कियों ने रिजेक्ट किया, मैंने कभी हार मानी? जस्ट बी पॉजिटिव बुढ़िया। चल चीला खिला। अबे गेंडे ज्ञान की बातें झाड़ना बंद कर, 56.5 चीले डकार चुका है, अब मांगेगा तो तवा मारूंगी। बुढ़िया को दिखता नहीं है लेकिन गिनती बराबर करती है। कोई बात नहीं, अभी तो निकल रहा हूँ लेकिन फिर आऊंगा। फूट फूट यहाँ से। चिल्ला बच गया तो उसको चिलर में रख देना। अरे जा रहे पका मत, मैं वापस आके खाऊंगा। अबे अब जाएगा कि कुकर फंसाओ तेरे सर में। क्या कह रही हो दादी, ये तो हम दोनों का प्यार है बेटा, जब तक इसे 4-5 गालियाँ नहीं दे दूँ ना मेरा खाना हजम नहीं मेरा होता। हो ज्यादा खा लिया। अच्छा एक मिनट रुक तो बेटा। ये क्या कर रही हो दादी? नजर उतार रही हूँ तेरी, इसमें थूक दे बेटा। अरे थूक दान समझ के थूक दे बेटा। कहते हैं ना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो टेबल पे रखा है खा ले। नहीं दादी डाइटिंग कर रही हूँ। बहुत देखे तेरे जैसे डाइटिंग शाइटिंग करने वाले, जब मैं तेरी उम्र की थी ना तो 15-20 पराठे नाश्ते में खा लेती थी। बस बहुत हो गया दादी, अब जाके सो जाओ, सुबह मुझे जॉगिंग के लिए जाना है। अरे मैं तो नींद में ही बात कर रही हूँ। आज ऐसा भागूंगा कि मिल्का भी मेरे सामने हल्का हो जाएगा। अरे वो बाल की दुकान, सुबह सुबह कौन सा कौवा काका कर रहा है। गुड मॉर्निंग। Uh-huh.
ये क्या नई नौटंकी है? पानी की टंकी भर दी। हा? लंगूर चाहे जितनी भी गुलाटी मार ले वो कभी हीरो नहीं बन सकता, और तू तो पूरा का पूरा गोरिल्ला है सर से लेकर पांव तक। यहाँ रोज एक बिल्ला आया करता हा? था, मैं अपने हाथों से उसे दूध पिलाता था। तेरी तो सुबह सुबह पेड़ा खाना है। हाय गुड मॉर्निंग। मुझे कितनी बार गुड मॉर्निंग बोलेगी? ठीक है गुड मॉर्निंग। सोचो कहीं ये भूत से बात तो नहीं कर रही। लेट्स गो। लेकिन हाँ पहले बता दूं, मैं ना बहुत तेज दौड़ता हूँ, तो तुम पीछे रह जाओ तो बुरा मत मानना, ठीक है ना? ऑटो टैक्सी पकड़ के घर आ जाना। ठीक है, चलो। टेंशन मत लेना, दादी के पास बहुत माल है। दादी की जबान तेज चलती है और पोती के पैर। अरण्य बस कर। अभी से हवा निकल गई, तू धीरे धीरे आ, मैं आगे जाती हूँ, ठीक है? हेलो अरण्य, वन सेकेंड। जब क्लाइमेट इतना अच्छा होता है ना तो वॉकिंग करना ही बेस्ट रहता है। वॉकिंग करते नजारों का मजा लेते। मोटा भैंसा कहीं का। अच्छा अरण्य, मान लो अगर मैं शहर गया तो वहाँ किसी फिल्म में मुझे हीरो का रोल मिलेगा क्या? तुझे आईने में शक्ल देखी, छछुंदर जैसी है। मेरी शक्ल को क्या हुआ, हीरो तो लगता हूँ। वैसे गांव की रामलीला में बहुत बड़ा रोल करता हूँ मैं। कौन सा रोल? रावण का। अरण्य मेरी शादी जल्दी हो जाएगी ना? तेरी शक्ल देख के तो नहीं लगता। वैसे शक्ल में क्या रखा है? मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। वो सब दादी का है। इसको सब पता है? चालू दादी की चालू पोती गूगल की तरह हर इन्फॉर्मेशन रखती है। कितनी भी कोशिश कर ले जिंदगी भर भैंस ही चराएगा तू। भैंसा जाऊं? तुम्हारा नाम क्या है? बबलू। मम्मी पापा कहाँ हैं? शहर में, मैं मामा के साथ रहता हूँ। मामा कौन? वो आदित्य? ये अकेले किसके साथ फुटबॉल खेल रही है? मानना पड़ेगा इस लड़की को, बार बार बॉल को किक मारती है और बॉल बार बार इसके पास लौट आता है। अगर ये इंडियन टीम में होती तो 100-200 मेडल तो आ ही जाते हैं। लॉरी ड्राइवर की छत से गिरकर मौत हो गई। लोग छत पर जाते ही क्यों है? ये क्या लगाया है? मुल्तानी मिट्टी। वो किस लिए? गोरी चमड़ी के लिए, लड़कियों को पसंद है ना। वैसे तुम यहाँ पर पेंटिंग कर रही हो, दादी पैसे नहीं देगी। ए बकवास बंद कर। अब भूल गया किस लिए आया था। ओ हाँ, भैंस धोने के बाद कहाँ रखा? अब क्या ढूंढ रहा है? अरे वो एक महीने बाद नहा रहा हूँ ना, पता नहीं कहाँ रख दिया। वो रहा मेरा स्क्रबर। घिस घिस के नहाऊंगा, मिस को मिसेस बनाऊंगा। चलता हूँ। ठंडे ठंडे पानी से। स्टूपिड। रुको, जरा रिवाइंड करना अरण्य। वो देखो, तुम्हारे पीछे तो कोई भूत है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक है। मतलब गांव वाले सच कहते थे। ए बुढ़िया, तू मेरा हिसाब कर दे, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। कुछ भी करूंगा लेकिन मैं कुवारा नहीं मरूंगा। मुंह नोच लूंगी तेरा। अरण्य समझाओ, मेरा मुंह नोचने से पहले वो भूत तुम्हारा मुंह नोच लेगा। तू भी डर गया ना? मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, पर वो मेरा वहम था, वो भूत नहीं मेरी परछाई थी। इससे एक आइडिया आया है, झूठ मूठ के भूत की वीडियोस बना के लोगों को डराना शुरू कर दें तो हमें बहुत सारे व्यूज मिल सकते हैं। मैं समझा नहीं। हम हॉरर स्टोरीज शूट करके उसे यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। फूटू, हमेशा थूकती रहती है दादी तू। तुम लोग हमेशा लड़ते क्यों रहते हो? दादी आजकल इंटरनेट का जमाना है, ऑडियंस में ऊटपटांग वीडियोस की ज्यादा डिमांड है। जैसे बिना एबीसी जाने एलियंस और डायनासोर्स की बात करो, ना प्रूव होने वाली ऐसी उल्टी सीधी चीजें दिखाओ। आजकल लोग टाइम पास के लिए कुछ भी देखते रहते हैं। कुछ भी कहां से लाएंगे? ए अरे शूट करेंगे ना, जरा एक बार अपना दिमाग तो लगाओ। इम्पॉसिबल। अगर हमने यूट्यूब पे हॉरर वीडियो बना के डाला और वो हिट हो गया तो हम रातों रात फेमस हो जाएंगे, और एक बार हम फेमस हो गए ना तो पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होगा। ठीक है सबसे पहले सर मैं डालूंगा। तू पूरे ही घुस जाना ना। कढ़ाई का साइज मेरे जितना होगा ना। तो बताओ कैसा लगा प्लान? प्लान तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, दादी को छुड़ैल मैं बनाऊंगा। क्यों दादी, तू तैयार है ना? ओके, डंडना डंडन, वीडियो बनाओ, पैसा कमाओ। पैसों की लालची है तू बुढ़िया। भूतों का चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुपर। क्या वालों, भूतिया स्टोरी सुनाओ। खतरनाक थी, भयानक थी, बजरंग बली और दुश्मन की नली। अगला, चल शुरू हो जा। वो चुड़ैल उल्टे पैरों से दीवार पे चढ़ रही थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। एक रात को मेरी बेटी बच्ची को सुला रही थी।
तभी उसे नीचे एक हाथ दिखा। जब उसने नीचे झांक के देखा तो उसे एक गुड़िया नजर आई और वो चुड़ैल वहीं उसके बगल में ही थी। हाँ, मेरी मरी माँ की कसम सच बोल रहा हूँ, झूठ बोलूँ तो पाप लगे। कहते हैं वो आज भी भटक रही है। बाल बच गए। क्या भूतों पर यकीन रखती हैं? पता है ईश्वर ने सबसे स्पेशल चीज क्या दी है? हमारा ब्रेन। छुपे रहस्यों को ढूंढना और जो नहीं है उसे क्रिएट करना, ये जानवर नहीं कर सकते। कई बार हमारी जिज्ञासा भी शाप बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार हमारे दिमाग ने किसी आत्मा के बारे में सोचा तो दूसरे ही पल हमें लगता है कि वो आत्मा सामने खड़ी है। एक अजीब सिचुएशन है। तो इसका मतलब घर पे जो मैंने परछाई देखी थी वो सिर्फ मेरा वहम है। ठीक, तुम्हारे फेक वीडियोस की तरह दुनिया उन्हें सच मानती है। कीप गोइंग, बस कंफ्यूज मत हो जाना एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ये सब क्या हो रहा है? ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये सब क्या है? कहीं ये भूत का असर तो नहीं? One more. ये ले लेटेस्ट कान वाली मशीन। इससे क्या होगा? इससे तुझे मन की आवाज भी सुनाई देगी। फिलहाल मन कर रहा है कि पोता दादी को आशीर्वाद दे दे। क्या करता है? मैं सच कह रही हूँ, यहाँ पर भूत है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद ही देख लीजिए अपनी आँखों से। ए, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं अकेला खाऊं केला। अगर यकीन नहीं होता तो खुद देख लीजिए, इस भूतिया दीवार से अक्सर खून निकलता है। चलो चुड़ैल को मारते हैं, छोड़ेंगे नहीं। आज बच के नहीं जाएगी। डरना नहीं, मैं संभाल लूंगा। अरण्या बचाओ चुड़ैल। दादी बहुत बढ़िया।